Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. लो जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। पहुंच गए सारे, चलो फिर शुरू करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जन्म लिया है जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी शानो शौकत से बिताई है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे राजा महाराजा आज भी हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए आज आपको ऐसी एक राजा की कहानी सुनाते और दिखाते हैं, जो नाम के, जेब के और दिल के तीनों के राजा है जी। ये है जी हमारे राजा साहब की हवेली। और गांव वालों को जरूरत का सामान बांट रही ये साड़ी सरदारनी जी, मतलब हमारी बेबे जी। पैसे भी रख लो, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैंने दस दियो। अच्छा जी, ओ बड़े दिल वाली है हमारी बेबे जी। हेलो, लुटाओ लुटाओ, दोनों हाथों से लुटाओ। और ये है जी इस हवेली के गब्बर सिंह, सरपंच सुच्चा सिंह जी। महारानी जी लुटा तो ऐसे रही हैं जैसे सब कुछ दहेज में साथ लेके आई। क्या गुस्से की वजह ये दान पुण्य नहीं है? बस चले तो मुझे भी दान में दे। बल्कि जिसके लिए ये सब हो रहा है वो है। लो जी, ये हैं इस हवेली के इकलौते शहजादे, हमारे राजा साहब। इनके बापू जी तो इनको नलायक बुलाते हैं जी, और बेबे जी बुलाती हैं राजा बेटा, और पूरा गाँव बुलाता है राजा साहब। जी अपने बारे में तो मैं बताना ही भूल गया, ये हूँ मैं बली। हाँ जी बली, राजा साहब का BFF, मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। ए डोल पिटना बंद कर बे, अगर मेरे राजा पुत्र की नींद खराब हुई ना तो तेरी खैर नहीं है, समझा? बेबी जी, आज के दिन ही आप हमें रोक सकते? पूरे साल में एक ही तो बार आता है ये दिन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम तो नाचेंगे गाएंगे ढोल बजाएंगे। बल्ले बल्ले, पहली बार नवे जी। मेरा सोना पुत्र, मेरा राजा बेटा, किसी की नजर ना लगे मेरे जिगर दे टुकड़े। मेरा पुत्र हजारों साल जिए। ओ साल थोड़े कम कर लियो भगवान, ये बेचारी धरती तेरे नालायक बेटे का बोझ इतनी देर तक नहीं झेल पाएगी। हाँ तुसी तेरे रहन दो जी, कभी खुश नहीं होते मेरे पुत्र के किसी भी बात पर। क्या करूं, आज तक तेरे इस नलायक बेटे ने कोई वजह दी है मुझे खुश होने की? क्यों? हाँ? आज मेरे राजा पुत्र का हैप्पी बर्थडे है, ये भी कोई कम वजह है खुश होने के वास्ते? हाँ?
जुग जुग जे मेरा पुत्र, मेरी उम्र भी तेनू लग जाए। ओ व्हाट बेबे, तू अपने बर्थडे पे भी यही मांगती है और मेरे बर्थडे पे भी। ओ नाले बेबे, बर्थडे नहीं होता, ओ ब्रेथ डे होता है, ब्रेथ डे। राजा साहब क्या अंग्रेजी मारी, राजा साहब, राजा साहब। हाय हाय, सदके जाऊं, जैसी कोको वैसे बच्चे। बर्थडे या ब्रथडे नहीं होता, बर्थडे होता है। की फर्क पैंदा है, बर्थडे हो या ब्रथडे, होता तो ये सब जन्मदिन ही है ना। पुत्र, आज के दिन जाकर अपने पापू के पैर छू ले जरा, देख कैसे टुकर टुकर देख रहे कबूतर की तरह। जा भी। एक बात बताओ नलायका, सुधरेगा कब और तेरे को अक्कल कब आई? तेरे साथ वाले देख कहां से कहां पहुंच गए हैं। ओए तू कब बड़ा होगा ये तो बता। ओ कितना बड़ा हो जाऊं, अब क्या जाके छत से लग जाऊं? और 6 फीट का हो गया हूं मैं, और कहां पहुंच के साथ वाले। कल्लू शराबी की बात ले लो, वो कल ठेके से घर तक नहीं पहुंचा। नहीं, वो राजा साहब जैसे उसके हालात है ना, 1-2 साल में वो कर से ठेके तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तू चुप कर जा उल्लू के पट्टे। एक तो तू ना इस गंदे अंडे की संगत करनी छोड़ दे, मैं तेरे को बताऊं, आज तेरा जन्मदिन है। कसम खा अभी से कि तू जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा। आए हाय, कम से कम आज तो छोड़ दो मेरे राजा पुत्र नु, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। बेबे बर्थडे नहीं, ब्रथडे। हाँ पुत्र वही, बर्थडे। 8वीं फेल नलायक बेटे की, 5वीं फेल माँ, आज इसका जन्मदिन है, कोई अभी पैदा नहीं हुआ ये। हायो रब्बा, कितनी कड़वी जुबान है। बेबे दारू से भी कड़वी। क्या कहा तुमने, अब तुम दोनों ने दारू भी पीनी शुरू कर दी है। हे भगवान, बेबे तेरे राजा बेटे दे करेक्टर ते एक और इल्जाम लगा दिया बापू ने। खबरदार खबरदार, जो मेरे पुत्र के ट्रैक्टर पे इल्जाम लगाए तो। हाँ पुत्र, तू इनकी बातों पर ध्यान रख, इनकी तो आदत ऐसे बोलते रहने। और तुम्हारे माँ बेटे की क्या आदत है, मेरा खून चूसने की। अच्छा बेबे, तो फिर मैं चलूं? हाँ पुत्र, हाँ, लेकिन शाम को छेते छेते आ जाना, कहीं आमा मत भटकना। हाँ अच्छा बेबे, मेरा मतलब मैं चलूं, सच में चलूं? आपका ध्यान कहाँ है राजा बेटा, कब से कह रहा है चलूं चलूं चलूं। अरे बिना पैसे के कैसे चलेगा बेचारा। यही तो स्यापा तेरे राजे बेटे का, ये पैसे खाने वाली मशीन बिन पैसे के चलती कहाँ है। आए ये ले, 1, 2, 3, 4, 5। दो जी। ओए एले। वाह बेबे, तुहाडा दिल तो बापू की वेली से भी बहुत बड़ा है। जिंदा रहे पुत्र। जिंदा रहे पुत्र। ए उल्लू के पट्टे, तूने बिगाड़ रखा इसे। चला जा रही तो जूती मारूंगा। मैं कह रहा हूँ तू भी चली जा। राजा साहब पूरा पिंड आया तो आपको बर्थडे विश करने। सशिकाल सशिकाल। दिख नहीं रहा राजा साहब बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी भी चले। हाँ भाई हाँ, बंटी राजा साहब। वो साले यार, तू गया भी बिन बताए और आया भी बिन बताए, बोल इस बात की तुझे क्या सजा दी जाए। अब तो राजा साहब बस दोस्ती निभाई जाए और माफ किया जाए। ओ बल्ली, ओ पहचाना इसको? नहीं। ओए ये अपने बंटू चाचे का लड़का है। ओ तू बंटू शराबी का लड़का है। ओ ये राजू तो पूरा जेंटलमैन बन गया, राजा साहब भी तो पहचान में नहीं आ रहा। ओ भाई पहचान में कहां से आएगा, अब्रॉड जाके अब्रॉडिया बन गया। हाय दिल वाले, दुल्हनिया लेने आए हो फिर इस बारी? ओ दुल्हनिया तो मैं लेके आया हूँ, वो भी अब्रॉड से। तूने शादी भी कर ली बिना बताए? ओ भाभी का है भाभी। वो देख भाभी तेरी गड्डी में। कैसी है राजा साहब? अभी ये सच में असली है, तूने पाउडर लगा लगा के चमका रखा है। चूके देख ले असली है। हाय।
ये तो सच्ची असली है। वो एक बात तो बता, तू लंगूर साले अंगूर लेके घूम रहा है और तेरा किसी ने चलान क्यों नहीं काटा? वो चलान छोड़ो राजा साहब, पार्टी बता कब देनी है। ओ पार्टी नहीं, अब तो जश्न होगा जश्न। ओ गौरी मैम को दिखाते हैं पंजाब में जश्न कैसे मनाते हैं। क्यों चलो। डगा तू लगा दे ढोल वाले आ, खिचवी जी बोली कोई पा दे ढोल वाले आ। ढोल उत्ते डगा तू लगा दे ढोल वाले आ, खिचवी जी बोली कोई पा दे ढोल वाले आ। नचने दा मूड बनाउणा ए आई रात जशन दी, मित्रा ने भंगड़ा पाउणा ए आई रात जशन दी। होके सारे आने महफिल सजाई है, सोना नहीं हो अज रात जागने दी आई है। आओ कट्टे होके सारे आने महफिल सजाई है, सोना नहीं हो अज रात जागने दी आई है। आ वेड़ा मुड़ नहीं आउणा है आई रात जशन दी, मित्रा ने भंगड़ा पाउणा है आई रात जशन दी। आओ सारे आने भंगड़ा पाउणा है आई रात जशन दी। पंजाबी तुम्मा हर थां ते पाइयां ने, पट्टण वाले तो सानू गोरियां भी आईयां ने। ओए मुंडिया पंजाबी तुम्मा हर थां ते पाइयां ने, पट्टण वाले तो सानू गोरियां भी आईयां ने। अज मिल के चित परचाउणा ए आई रात जशन दी, मित्रा ने भंगड़ा पाउणा ए आई रात जशन दी। हां मित्रा ने भंगड़ा पाउणा ए आई रात जशन दी। मेरे लई ना टाइम तेरे कोल किथे बिजी रहिंदा, मेरे लई ना टाइम तेरे कोल किथे बिजी रहिंदा। आईफोन 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 तोड़ना कन्नो ना जेड़ा लहिंदा, आईफोन तोड़ना कन्नो ना जेड़ा लहिंदा। तेरे फिकरा मारता मैनू तू खुशियां विच जीवे, तेरे फिकरा मारता मैनू तू खुशियां विच जीवे। वे शराब वे शराब वे शराब फुक जे जो रोज शाम नू पीवे, वे शराब फुक जे जो रोज शाम नू पीवे, वे शराब फुक जे जो रोज शाम नू पीवे। गांव वालों सालो अब बोलो क्या कहते थे के शराबी का बेटा शराबी बनेगा? देखा मेरे बेटे का कमाल, देखा अब रोड़िया बन के आया है, मेम लेके आया सालो मेम। बापू ओ कमन बापू यार, यू आर सो ड्रंक मैन, व्हाई आर यू क्रिएटिंग द सीन? क्यों ड्रामा कर रहा है? ओए तनु नहीं पता पुत्र, तनु नहीं पता, ये गांव वाले सब मुझे ताने मारते थे के शराबी का बेटा शराबी बनेगा। क्यों देख लिया ये बन गया? अब्रोडिया बन के आया, अब्रोडिया सालो, जिसको तुम ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो ना, उसी जहाज से आया है और उसी जहाज से ये जाएगा। सारे छोटे लोग छोटी सोच। चल चाचा कोई ना, बस कर। क्या है यार मैं बस करूं? तुझे नहीं मालूम इससे बात का? ओ चाचा पहले तो तुझे मैं राजा साहब से बात करने की तमीज सिखाऊं। ओ ओ बल्ली कोई नहीं, नहीं राजा साहब आप एक मिनट चुप करो। हाँ ओए चाचे कितनी की बड़ी बात है, ओ कितनी बड़ी बात है। ओ बड़ी बात तो ये है कि हमारे राजा साहब ना दिल के जेब के नाम के तीनों के राजा हैं। और बड़ी बात तो ये है कि राजा साहब के बंगले में ना तीन तीन लंबी गाड़ियां खड़ी हैं, तूने नाम भी नहीं सुने होंगे जिनके।
और बड़ी बात तो ये है कि वेली की टंकी की छत पे खड़के ना पूरी जमीन तब दिखती है जब सामान साफ हो, अनिता जमीन नहीं दिखती, आंखें खत्म हो जाती है, जमीन खत्म नहीं होती। और बड़ी बात तो ये है, राजा साहब जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, और पूरा गांव खाता और रखता ना चाहे दो टाइम हो, राजा साहब को सलूट तीन तीन टाइम बजते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वो क्या बड़ी बात है, वो क्या बड़ी बात है, नहीं है वो नानाले पिंड का नामबाज गुलाटी है, वो भी तो ब्रॉड में रहता है, उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं ब्रॉडिया मैं ब्रॉडिया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे कोई ब्रॉडिया बन चुका, बारहवीं फेल आदमी को तो कोई हवाई जहाज के अड्डे के पास भी नहीं जाने देता और आठवीं फेल को कोई हवाई जहाज ही नहीं देखने देता। ओ चाचू, तुझे बड़ा एयरपोर्ट के रूलों के बारे में पता है, तू रोज हगुमुतु करने वही जाता है, हैं? ओ हेलो इधर सुन, आठवीं फेल किसको बोला तूने, और तू डिग्री बता कौन सी चाहिए, 5 मिनट में तेरे सामने ला के मारूंगा। और एक गल और सुन ले, साढ़े राजा साहब वो कंग्रेजी टो कंग्रेजी वो भी फुल तेजी तेजी, राजा साहब जो चाहे जब चाहे वो कर सकते हैं। राजा साहब, राजा साहब, ओ बस 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 बस, नहीं नहीं, इस गांव में सिर्फ मेरा बेटा ब्रोडिया है, इस गांव में कोई भी माने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया है। ओ चाचा जुबान को लगाम दे, ये अच्छी बात है तेरा बेटा ब्रोडिया बना, शराबी नहीं, और इसका मतलब ये नहीं तू पूरे गांव को सिर पे उठा लेगा, कब से देखी जा रहा बोले जा रहा है बोले जा रहा है। एक और बात, कोई ब्रोडिया राजा नहीं बन सकता, और राजा जब चाहे जिस वक्त चाहे ब्रोडिया बन सकता है। राजा साहब, राजा साहब, रेंदे रेंदे, जानता हूँ तुझे मैं, अगर तू अप्रोडिया बन गया ना तो ये बंटू शराब छोड़ देगा, सदा याद रखे ये शराब छोड़ देगा शराब। उस कंजर शराबी की ऐ मजाल कि मेरे राजा पुत्र के ट्रैक्टर पे उंगली उठाए। ट्रैक्टर नहीं, कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है। फिर उसने झूठ भी क्या बोला है, आठवीं फेल तो आठवीं फेल ही है, बेशक वो मजदूर का बेटा हो या सरपंच का, क्यों? तुसी ते रहन दो जी, आप तो ना मेरे बच्चे के दुश्मन बन गए हो बस। मैं? अरे जो इंसान अपना दुश्मन खुद हो उसके साथ भला मैं दुश्मनी कैसे कर सकता हूँ, क्यों? छड्डो जी, देख पुत्र लोगों का क्या है वो तो भोगते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है तू मैनू छड़कर ब्रॉडशॉट चला जाएगा, अज के बाद तू कहीं जाने की गल नहीं करेगा मुझसे। हाँ बेबे, मैं फैसला ले चुका हूँ, अब ये आठवीं फेल बेटा ना अप्रोडिया बनेगा। तो तू कौन सा अकबर है जो अपना फैसला बदल नहीं सकता, तू तो मेरा राजा पुत्र है, और मेरा राजा पुत्र ना किसी ऐरे गैरे की बातों में आकर ना अपनी मानो छड़कर कहीं नहीं जाएगा, मैंने कह दिया तो बस कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा। तू फिक्र ना कर प्रकाशो, ये कहीं जाने वाला नहीं है, तू अपना ब्लड प्रेशर हाई ना कर, और अगर चला भी गया ना ये भरंग लिफाफे की तरह वापस आ जाएगा, देख लियो तू। जे तुसी हुण कुछ बोले ना तो तुहाडी खैर नहीं है। पेपे मत रोक मुझे, तेरा बेटा जाएगा और ब्रोडिया बनके जल्दी तेरे पास वापस आएगा, और पेपे तेरे लिए मैं गोरी मेम से भी अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। मैं क्या ना, तू कहीं नहीं जाएगा, भैंस किए जा रहा है, मैंने खाना लगा दिया है, चुपचाप आकर खा लो, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। ओए नलायका, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, कम से कम अपनी बेबे को तो तंग ना कर, जा जाके बोल दे उसे कि तू कहीं जाने वाला नहीं है, और कुछ नहीं तो खाना तो खा ले। बड़ा ब्रोडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी देश की करेंसी बदल चुकी है, तो अब से हम क्लाइंट से कोई भी पुराने नोट नहीं लेंगे। बट सर, अगर सामने वाला भी नए नोट मांगे तो? उन्हें कहो जी से ले लो, हमें बस नए नोट दे दो।
चलो चलो गेट बैक टू वर्क, काम पे लग जाओ। शाबाश। ओके सर। ओके सर। थैंक यू। प्रीति मैडम जी तनिक रुकिए। केस तो आप अभी तक एक भी नहीं ला पाई आज तक, और तौबा आपकी कंप्लेंट्स। क्या है ना, क्लाइंट को बड़े प्यार से हैंडल किया करो, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं सरकार से। अब आप भी अगर उनके साथ गुस्से से बात करोगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा शर्माओ, तुम्हें सिर्फ मुर्गा लेकर आना है, कैसे भी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शायद तुम जानती नहीं कि मैं कितना अच्छा तंदूरी बना लेता हूं। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर। क्या हुआ, क्या बोला बॉस ने? वही पुराना भाषण यार, मुर्गा लाओ मुर्गा लाओ। ये बंदा है या तेलू का सा है यार, समझ में नहीं आता। मन कर रहा था कि उसका गला दबा के उसको। चल बस बस मेरी दंगल क्वीन, ये नौकरी के बिना कोई चारा भी तो नहीं है ना। बस एक बार मेरे फंड अरेंज हो जाए, उसके बाद ये नौकरी का देश छोड़कर चली जाऊंगी मैं। हाय मेरी प्रीति, तू ना जाना मुझसे दूर, मैं हो जाऊंगी तेरी याद में चूर चूर। चल बस कर नौटंकी अब। चलो चलो। किसको पूछे किसको पूछे किसको पूछे? इनको पूछते हैं। हेलो मैडम जी। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? हालचाल पूछ रही है जी अंग्रेजी में। ओह हालचाल एकदम बढ़िया जी, मेरा बाबा जी की और बेबे जी की। बापू जी थोड़ा सा परेशान है पता नहीं क्यों, बाकी सब ओके रिपोर्ट। सॉरी? ओ जी सॉरी नहीं बोला हमने आज तक किसी को। वो क्या बापू जी बोलते हैं बोलकर चुप हो जाते हैं, फिर सब नॉर्मल। पर वो दिल के ना बुरे नहीं है जी। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चार्ज की टिकट यही मिलती है जी? जी यही मिलती है। हाँ तो जी एक कार्ड के दे दो हमको जी। कहाँ की? अब्रॉड की। अब्रॉड की? हाँ जी। और बॉम्बे की थोड़ी कटाएंगे जी? और नहीं बल्ले, अभी हमारा बम्बई जाके हीरो जीरो बनने का मूड नहीं है, अभी तो आप एक अब्रॉड की टिकट काट दो जी। आप जाना कहाँ चाहते हैं? लो जी अभी तो बताया मैडम जी, अब्रॉड जाना है अब्रॉड। ओके आप प्लीज बैठिए और बताइए मुझे। मैडम जी बैठने बैठने का टाइम नहीं हमारे पास, बहुत बिजी आदमी हम, और राजा साहब बहुत जल्दी में है। छेती एक अब्रॉड की टिकट कटो ताजी ताजी, राजा साहब ने निकलना है, सात समुद्र पार भी तो है अब्रॉड। ओके किस बेस पे जाना चाहते हैं? बेस पे नहीं जी, जहाज पे, जहाज पे जाना है। घबराइए मत, आप जहाज पे ही जाओगे। मैंने थोड़ी जाना है जी, राजा साहब ने जाना है। ओके किस पर्पस से जाना चाहते हैं आप? मैडम जी बेस जहाज पर्पस जिस पे आपका दिल करता ना उस पे भेज दो। मैं तो पूरी तैयारी खिंचके आया हूँ जी, बैग पैक है, यूं निकलेंगे हम तो। रोडम रोड निकलेंगे जी हम तो। शू शा शू। लुक मिस्टर, आई डोंट नो हु यू आर, बट द वे यू आर टॉकिंग टू मी आई फील लाइक यू आर अ ड्रग एडिक्ट सो मैड, सो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम एंड लीव विद रिस्पेक्ट राइट नाउ, अदरवाइज आई विल किक यू बोथ आउट ऑफ हियर। बोला। वाह भाई वाह, मैडम जी क्या अंग्रेजी है, मैडम जी आपने तो गिरजी के फट्टे चक दिए। वाह मैं तो शर्त लगा तो मैडम जी, इतनी सफाई से अंग्रेजी तो अंग्रेज भी नहीं बोलते होंगे। मेरा मतलब जी बस वाह, ये लीजिए मजा आ गया। ये सब क्या है? और राजा साहब जब दिल से किसी से खुश होते हैं ना तो एक तोहफा देते हैं, अब देखो मेरे से कितने खुश रहते हैं। ओ बस ये बस, राजा साहब क्या लगा रखा है? अलो कर लो राजा साहब, मैं तो दसना ही भूल गया, ये हमारे रियासतगढ़ के कुंवर अर्थात राजा साहब। और ये जेब के नाम के दिल के तीनों के राजा है, आपको पता है इनके खेतों में ना आपके दफ्तर से बड़ी तो मशीनें पड़ी हुई हैं जी, वेली की छत पे खड़ के ना पूरी जमीन तब दिखती है जब आसमान साफ हो, नहीं तो जमीन ही नहीं दिखती। पूरा पिंड खाता और रखता चाहे दो टाइम हो, और राजा साहब को सलूट तीन तीन टाइम बजते हैं। आर यू सीरियस? ओ नहीं जी अब तो बिल्कुल ठीक है ये। ओ जी सीरियस तो 3 महीने पहले हुआ था ये, ओ बेचारे को डेंगू हो गया था। ओ मच्छर ने पप्पी ले ली थी इसकी, अब तो ठीक है, बस थोड़ी सी सेहत कम होगी है। भाई खाया पिया कर, जूस पिया कर, समझा? आप ये बताइए आप क्यों जाना चाहते हैं अब्रॉड? अब्रॉड या बनने जी, है जी और भला कोई अब्रॉड क्यों जाता है? नहीं लोग ट्रैवलिंग, मेरा मतलब घूमने भी जाते हैं अब्रॉड। और रहन दो मैडम जी, कोई घूमने का मने नहीं जाता, हमारे यहाँ से तो जो भी कंजर जाता है बस नहीं जाता है, वापस नहीं आता मुड़के। अपने साथ के पिंडाला की नाम है उधर राजा साहब, गुलाटी गुलाटी नामबाज, 10 साल हो गए आज तक मुड़के नहीं आया। ओ यार बल्ले तो टेंशन ले,
राजा ब्रोडिया बनते ही ना यू वापिस आएगा। राजा साहब, वेल मैं आपकी सारी बात सुन चुकी हूँ और मैं अपने बॉस से बात करके देखती हूँ, और अगर कुछ भी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है जी। एंड आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा। थैंक यू फॉर द रिंग बट आई कांट टेक इट, सॉरी, हैव अ नाइस डे। और राजा साहब घबराना नहीं, दिल नहीं छोटा करना, बड़ी खुददार लड़की है, कह रही है कि कम करके फिर ले लूंगी। वाह भाई वाह, क्या लड़की है यार, ऐसी लड़कियां भी होती हैं हमारे देश में। और राजा साहब और आप अफ्रीका में बैठे हैं, बिल्कुल होती हैं, दिल आ गया लड़की पे। है बात तो है लड़की में। और राजा साहब मैं तो कहता हूँ बात कर लेता हूँ मैं जाके, नाली ले जो फिदा हो जाएगी। नहीं यार, कहाँ इतनी पढ़ी लिखी लड़की, खुद भी सुंदर अंग्रेजी भी सुंदर, और कहा मैं जमला जट यार, अपना कोई मैच मूच नहीं है भाई, अपने कोई गोरी मेम मेम ही सही बैठेगी है, जिसकी बातें मुझे समझ ना है वो मेरी बात उसे ना है। चलिया ना होंगे, सोने नहीं जाना आपने? सोने नहीं जाना है, अब तो अब्रॉड जाना है, अब्रॉड। हद हो गई बे, मुझे भी बताओ, मैं भी दो घड़ी हंस लूं। बताओ क्या हुआ? आज मैं एक राजा से मिली। ये राजा? क्या जी, आप तो कह रही थी कि आप एक नमूने से मिली। नमूना ही था वो, और अपने से बड़ा नमूना अपने साथ लेके घूम रहा था। क्या? बिल्कुल देसी पेंडू, यूं ही मुंह उठा के चले आए गाँव से, उजी जहाज की टिकट दे दो, अब्रॉड जाना है, अब्रॉडिया बनने। मुझे तो शक है कि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा। असो, खुल के असो, उड़ाओ मेरा मजाक। आगे जी आप। क्यों अफसोस हो रहा कि ये बंदा आज फिर घर क्यों आ गया, कहीं मरकब क्यों नहीं गया? आज आपने फिर से पी है? हाँ पी है, लेकिन तुम लोगों को क्या, मैं जीऊं या मरूं, और कर्जा पिलाता है कर्जा, जो तुम मनहूसों की वजह से चढ़ा है। कर्जा हमारी वजह से नहीं चढ़ा है पापा, आपकी हरकतों की वजह से चढ़ा है। प्रीति आप क्यों सुनती हो माँ? तू अपनी बक बक बंद कर, पहले कुछ करके दिखा फिर बात करना मुझसे। तेरे ऊपर कितना खर्चा किया मैंने है? सब बेकार। तेरी जगह लड़का होता ना, उसको मैं विदेश भेजता, अब तक तो वो पैसे भी भेज रहा होता। सिर्फ लड़के ही पैसे नहीं भेज सकते अब्रॉड से, मैं अब्रॉड जाकर दिखाऊंगी, और जिस दिन जाऊंगी ना आपको तो बताकर भी नहीं जाऊंगी। और रही बात पैसों की, तो कॉलेज मैंने खुद के पैसों से पूरा किया है, आपकी शराब की वजह से कब का घर चलना बंद हो गया है, तब से नौकरी कर रही हूँ मैं, आपकी शराब ने कर्जदार किया है आपको। क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? Having those days of the month? ट्विंकल की बच्ची, लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो देख नमूने फिर आ गए। कौन नमूने? एक राजा भोज और दूसरा गंगू तेली। तो यही है वो मोटा तो सच में नमूना लग रहा है, पर दूसरा वाला तो हैंडसम है यार, नॉट बैड। अब तू देख मैं कैसे इनको अपने तरीके से ठीक करती हूँ। भाड़ में गया बॉस आज। रुक रुक रुक, तू रुक, मैं जाती हूँ, लेट मी हैंडल दिस। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? मालको ए भी अंग्रेजी च हालचाल पूछ रही है। ओ जी हालचाल एकदम वधिया है जी, मेरा बाबा जी की और बेबे जी की, पापू जी परेशान रहते हैं पता नहीं क्यों, बाकी सब ओके रिपोर्ट। ओ मैडम जी, कल वाले मैडम नहीं नजर आ रहे जी, आई नहीं आज वो? वो अब्रॉड जा रही है ना, इसलिए छुट्टी पे है, अब शायद नहीं आएगी। क्या? मैडम जी उनको बोलो ना मुझे भी साथ में ले चले अब्रॉड, बस एक बार मुझे अब्रॉड ले चले, उसके बाद तो मैं खुद नहीं आऊंगा वापस बिना अब्रॉडिया बने। क्यों बल्ली? क्या तरकीब निकाली है राजा साहब, सब की। वीजा है आपके पास जो जरूरी होता है अब्रॉड जाने के लिए? वीजा? हाँ, बताओ कहाँ से मिलता है, ले आएगा बल्ली, जा शाबाश बल्ली। हाँ, बताओ कहाँ से मिलता है वीजा वूजा, अभी ले आता हूँ जाके। वीजा है पिज्जा नहीं जो ऐसे ले आओगे, उसके लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, IAS का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अच्छा जी, इंजीनियरिंग डॉक्टरी LLB ना जी।
ये तो नहीं है जी अपने पास। ओ जी देखो जाना है तो बस जाना है, खत्म बात। पर क्यों, इतना जरूरी क्यों है अब्रॉड जाना? ओ जी मैडम जी मैं बताता हूँ, हमारे राजा साहब की ना गरारी फंस गई। अब वो एक बार किसी बंदे ने बोल दिया कि वो जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या होती है वो जो पढ़ाई चढ़ाई करके मिलती होती है, डिग्री बिग्री, हाँ वही, वो तुम्हारे राजा साहब नहीं ले सकते। फिर क्या था जी, बस राजा साहब ने इतनी चार चार डिग्रियां लेके चारों दीवारों पे टांग दी। ऐसे है हमारे राजा साहब। और जी ओ जी 10 लाख खर्चे नहीं है डिग्रियों पे, ओ जी पैसा इतना है, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? आप ये पढ़ाई वढ़ाई की बातें छोड़ो, ये बताओ पैसे कितने लगेंगे, बताओ। हमारे पास तो करेंसी भी नहीं वाली है मैडम। और क्या? वेल, मेरे पास एक रास्ता है जिसे आप सीधा अब्रॉड जा सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे और शादी भी करनी पड़ेगी। सोच लो, मेरे पास बस यही एक तरीका है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक लड़के के साथ अब्रॉड जाऊंगी, वो भी स्पाउस वीजा पर, नकली शादी करके? आर यू रियली सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। उस नमूने के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर ले तू। थिंक स्मार्ट बेबी, उस नमूने के पास पैसा है पैसा, तो उसको और भी 10 बड़े रास्ते मिल जाएंगे अब्रॉड जाने के लिए। यार और वैसे भी मुझसे उसको क्या मिलने वाला है? हेल्प मिलेगी उसको अपना अब्रॉडिया बनने का मकसद पूरा करने में। देख तू ज्यादा सोच मत, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। चुपचाप उस नमूने के साथ अब्रॉड चली जा, मैंने उसे सब समझा दिया है और वो तो रेडी भी है। वहां जाके देख लेना, कुछ बना तो ठीक, वरना तू अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, वरना मैं चली जाऊंगी उसके साथ। मैं तो फुल रेडी हूँ मेरी प्रीतो। उफ, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय। आ गई मेरी लाडो। फिर से छीन के ले गए पैसे। छोड़ना, तू बता कैसा रहा आज का दिन? माँ मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे उनको चाहिए होंगे तो इसलिए ले गए, तो बस इस बात पे शोर मत करना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाना है। अच्छा बता, आज फिर मिला वो नमूना तुझे? आपको कैसे पता? अक्सर जिंदगी में ना जो ना चाहो वही तो होता है। माँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मैं अब्रॉड जा रही हूँ माँ। पर पुत्र। हाँ, हमारे भले के लिए मुझे जाना ही होगा, और मैं जानती हूँ कि आप समझ सकते हो, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं तो तेरे इस दुनिया में आने से पहले ही तेरे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी पुत्र। आप मुझे अपना पुत्र कहते हो ना, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका पुत्र बनके कुछ करके दिखाऊं। अपने पापा को तो बता देते। आप ही बता देना मेरे जाने के बाद। उन्हें बुरा लगेगा पुत्र जे बिना बताए जाओगी तो। उन्होंने कभी सोचा कि हमें भी बुरा लगता होगा जब वो शराब के नशे में अनाप शनाप बोलते हैं? भगवान ने एक चांस दिया है मुझे, इजाजत दे दो प्लीज। और मेरे लिए तो माँ और पापा दोनों आप ही हो। मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे पुत्र ने जो भी फैसला लिया ना, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू। मुझे भी चाहिए जादू की झप्पी। मुझे आज पता चला तुम तो सचमुच के राजा हो यार। ओ जी फिर तो आपको बहुत लेट पता चला, ये तो आपको मुझे देखते ही समझ आना चाहिए था कि मैं राजा हूँ। जैसे मैं आपको देख के समझ गया था कि आप बिना किसी रानी से कम नहीं हो मैडम जी। ओ बाकी जी आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लेना जी, सारा खर्चा मेरा। ओ जी रब दी मेर इतनी है कि वाइटी वाइट है, ब्लैक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी जी। आर यू ओके? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ओ जी मैडम जी मेरा मतलब जी कागजी कामों में आपको ढील मत छोड़ना, और पैसों की कमी मैं नहीं आने दूंगा। बस आप ना अपने साथ मुझे अब्रॉड ले चलो, बस अब्रॉडिया तो मैं खुद ही बन जाऊंगा जी।
मेरी कुछ शर्तें हैं। एक बार बताइए, 10 बार पूरी होंगी? तुम जानते हो ना, ये शादी असली नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी असली जैसा नहीं है, ना ही कभी होना चाहिए। ओ, चिंता नोट मैडम जी। ओए आजकल तो असली शादी भी नकली जैसी होती है। ओए अपनी तो वैसे भी नकली है। और कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे जिससे मेरा दिल दुखे। ओ मैडम जी, मतलब ही नहीं बनता। देखो गैस मुझे बनती नहीं, खराटे मैं लेता नहीं, और सफाई ओहो पूछो ही मत जी। एंटरटेनमेंट तो मैं फिल्मों से भी ज्यादा करता हूँ। और मैडम जी, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं यार उसको, ओ किंग, दिल का भी, जेब का भी, और नाम का भी राजा। हाँ जी। अच्छा मैडम जी, तो डील डन है जी। एक बात और। हुक्म कीजिए मैडम जी। ये मैडम जी बोलना बंद कर दो यार आप। प्रीति बुला सकते हो मुझे। We like friends now? Okay मैडम जी। मेरा मतलब प्रीति फ्रेंड। जा रहे ना जी अब्रॉड? डन। ओह थैंक यू मैडम जी, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच मैडम जी। मैं कह रहा हूँ मजा आ गया मैडम जी। गुड। वैसे तो तूने मेरी बात नहीं मानी पुत्र, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो ना वहां पर, तेरा दिल ना लगे तो सीधे सीधे वापस आ जाना पुत्र। और हाँ, पैसे खत्म होने से पहले मैनू बता देना, मैं भिजवा दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ये पैसे भिजवा देगी, स्विस बैंक में इसका अकाउंट है, फिक्र ना कर, ये तेरा खोता 5-6 दिन में घूम फिर के वापस आ जाएगा, देखियो तू। पप्पू जी, राजा साहब कोई कहां चले जा जो घूम फिर के वापस आ जाएंगे। बलुदा पठम मरवा चंड तेरे में। अरे मेरी बेबे ना दुनिया की किसी बेबे से कम नहीं है। और बेबे, अब ये तेरा 5वीं फेल माँ का, 8वीं फेल बेटा, अब रोड़िया बन के आएगा। राजा साहब, ओ बोलो। राजा साहब भाग जा यहां से। पुत्र अपना ख्याल रखना, पुत्र है ना, कहीं नहीं जाना, जा जा यहां से। वक्त पर खाना, अब बड़ा ब्रोडिया, आराम से जाना पुत्र, वापस आए तो जूतियां मारूंगा तेरे में। हाय, पामे इंग्लैंड, पामे होवे अमेरिका, पामे न्यूजीलैंड, पामे साउथ अफ्रीका, हर हाल विच आपां लुटदे नजारे। गोरियां दे मुल्कां च पौण पंगड़े, मुंडे कुड़ियां पटण दे मारे। होए गोरियां दे मुल्कां च पौण पंगड़े, मुंडे कुड़ियां पटण दे मारे। हो पप्पा ते कल्लबा दी ने शान गबरू, नच नच तरदी गलौण गबरू, अलड़ा दे दिलां उत्ते मारदे ने डाके, जदों अखियां नाल करन इशारे। गोरियां दे मुल्कां च पौण पंगड़े, मुंडे कुड़ियां पटण दे मारे। होए गोरियां दे मुल्कां च पौण पंगड़े, मुंडे कुड़ियां पटण दे मारे। राजा, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं जी, सपना देख रहा था जी, बड़ा ही खूबसूरत था जी। वैसे प्रीति जी, कहाँ पहुंच गए हम? जर्मनी, 1 घंटे में लैंड करेंगे। है? गोरियो, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है ब्रोड की है पाजी, आपके रहने के लिए बढ़िया अरेंजमेंट किया है मैंने। क्या अंगेजमेंट? ओ तूने गोरी भी ढूंढ ली?
जहाज में बंद हुए कान अभी तक खुले नहीं क्या तुम्हारे? एंगेजमेंट नहीं, अरेंजमेंट बोला है इन्होंने। अरेंजमेंट? हाँ पाजी, अरेंजमेंट। आपके रहने का बढ़िया बंदोबस्त किया मैंने। ओ वाह भाई गुलाटी वाह, तू अब्रॉड में आके लंबी लंबी अंग्रेजी छोड़ने लग गया है। गुलाटी नहीं पाजी, राहुल। यहाँ मुझे सब राहुल के नाम से जानते हैं। अच्छा राहुल, आई नीड अ जॉब हियर, आप प्लीज हेल्प कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। थैंक्स। आ जाओ पाजी। वाओ, ये घर है या महल? जैसा बल्ली भाई ने कहा था ना, एकदम वैसा अरेंजमेंट किया पाजी। अच्छा पाजी मैं चलता हूँ, आप रेस्ट करो, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैडम जी क्या हो गया? मुझे कुछ घर पसंद नहीं आया। नहीं नहीं राजा, घर तो बहुत सुंदर है। तो फिर? मैं बस सोच रही थी यहाँ की लड़कियाँ कितनी मॉडर्न है ना। लोग भी कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ? डस्ट? ओ जी कहाँ है डस्ट? डस्ट नहीं एडजस्ट। ओ जी जो भी है, ओ बाकी रही कपड़ों की बात, चलो शॉपिंग। राजा जिप, ओके मैडम जी, गुड नाइट। गुड नाइट। आपको मेरे साथ सोना हो तो आ जाना जी मेरे रूम में। व्हाट? जी मेरा मतलब इतना बड़ा घर है, अकेले में डर लगे या फिर बुरे सपने आए तो इसलिए। ओ जी मुझे असली और नकली शादी वाली बात ना याद है और हमेशा याद रहेगी। हां गुड। ओके ना जी, मैं याददाश्त के मामले में भी ना राजा हूं जी राजा। अगर इतनी ही याद आ रही है अपने बेटे की तो वापस बुला लो ना उसको। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा राजा बेटा मुंह लटका के वापस आता ही होगा। अरे घर का बुद्धू है, जाएगा कहाँ, लौट के घर ही आएगा ना वापस। पता नहीं आपको कौन सी जमीन बांटनी है मेरे बेटे के साथ, जो हर बार दुश्मनों जैसा बर्ताव करते रहते हो। कभी बाप भी बन जाया करो। कभी का क्या मतलब, मैं तो एक बार बाप बन के पछता रहा हूँ।
बाप बना भी तो इसका ये खोता। मेरे बेटे ने जो कहा है ना वो करेगा भी, देख लेना मेरा राजा अब्रोडिया बनकर ही वापस लौटेगा। मैं कहता हूँ टट्टू बन के लौटेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरा कुंभकर्ण अभी वहाँ सो ही रहा होगा। राजा, राजा उठो, राजा उठो, उठ जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं तुम्हें देखने आई हूँ, तुम अब तक सो रहे हो, ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो इतना डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या कर रहे थे सपने में? कुछ नहीं, मैंने क्या करना है, मैं कहाँ डरा हूँ? मैं तो जरा सा लेट उठाऊं, और वैसे भी ना राजा महाराजा इसी वक्त उठते हैं, और मैं तो थोड़ा सा लेट हूँ यार, आगे जगाने यार। राजा उठो, बाहर आओ, राहुल तुम्हारा वेट कर रहा है। हैं? राहुल आ गया? हाँ? अब बता रही हो तू मुझे, कहीं जा रहे हो क्या? अरे अब्रोडिया बनने जा रहा हूँ। अब्रोडिया? अब्रोडिया? लो पाजी, ले आया आपको गोरियों के बीच में। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, तू तो ना बंदा गुड मैन दी लालटेन है यार, इतनी गोरियों तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आया मैं है? सासी काल जी। You look nice. Come, sit. Okay, जी. Sure. Yes. Hello, honey bear. Come to me, baby. Oh, चढ़ दे मिन्नू. Oh, पहन दे प्रभा. Wanna play games? All right. Cat and mouse. I'm Jerry. Come here. Oh, don't do this, please. Oh, I love you, baby. Hey, what happened? Come to me, baby. You cannot run away from me, huh? All right. अब्रोडिया बनने जा रहा हूँ, उसको भी कोई चेन या रिंग दे देते, खातिरदारी तो बहुत अच्छी की उसने। अरे वो तो सब कुछ ले रहा था, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। जरूर मेरी बेबी की दुआओं ने बचा लिया मुझे, वरना मैं तो पूरे पिंड को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। हंस लो, मुझे क्या पता था, और मुझे लग गया बन गया काम, मिल गई मैम, बन गया मैं अब्रोडिया, चलो अपने पिंड। इतना आसान नहीं होता राजा साहब अब्रोडिया बनना, उसके लिए दिन रात काम और मेहनत करनी पड़ती है। ओ देखो जी,
हिम्मत तो मैं हारूंगा नहीं। मेरा मानना है अगर कोई इंसान अपनी जिद पे आ जाए ना तो वो करके रहता चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो पढ़े लिखे लोग तो अब रोड में आके अब रोडिया बन ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओ जी बड़ी बात तो ये है कि मेरे जैसा अनपढ़ गवार बंदा अब रोडिया बन जाए, और जब तक मैं अब रोडिया नहीं बन जाता ना तब तक मुझे नींद नहीं आएगी, बता रहा हूँ आपको मैं। बातें तो तुम बड़ी बड़ी कर लेते हो। ओ क्या ना जी, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। सो फनी। मैंने कहा था ना जी एंटरटेनमेंट तो मैं फिल्मों से भी ज्यादा करता हूँ। अच्छा वो छोड़ो, राहुल को मैंने बताया था जॉब के बारे में, कुछ हुआ? ओ तेरी, ये लो। क्या? ओ जी राहुल ने ना आपके लिए जॉब देखी हुई है, आप कल चले जाना। ओ एक बात बताओ, अभी आपको जॉब करने की जरूरत क्या है? ओ राजा आपके साथ है, टेंशन नो डैनी। काम नहीं करूंगी तो साबित कैसे कर पाऊंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती? मतलब? मतलब ये कि मेरी माँ ने दो बेटियों को जन्म दिया। अच्छा। शायद यही उनका गुनाह हो गया, पापा के सर पर कर्जा चढ़ गया और शराब उनकी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा मैं ही बाहर जाकर कुछ बन के घर के हालात ठीक करूंगी। पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप किया मैंने, पर मेरे घर की गरीबी मेरे लिए दीवार बन गई। मैं तो अब्रॉड की आस छोड़ने ही वाली थी तभी ट्विंकल ने तुम्हारे साथ। तेरी आंखों में है झील से नजारे और क्या देखें, तेरी आंखों में है झील से नजारे और क्या देखें, जिसमें बहते हैं प्यार के शिकारे नजारे और क्या देखे, तेरे बिन सांसें जलते अंगारे सहारे और क्या देखे, तेरा मिलना जैसे रब के दुआरे दुआरे और क्या देखे, तुझे छू कर मन को आ जाए चैन, होश उड़ने लगे, बंद कर खोलू जब मैं आंखें तुझको ही देखे, तुझे छू कर मन को आ जाए चैन, होश उड़ने लगे, बंद कर खोलू जब मैं आंखें तुझको ही देखे, मुझे बांधे तेरे यौवन की तारे नजारे और क्या देखे, जिसमें बहते हैं प्यार के शिकारे नजारे और क्या देखे। तुझे देख छिड़ता है दिल में कोई राग सा, चेहरे पे नूर तेरे जैसे गुलाब सा, तुझे देख छिड़ता है दिल में कोई राग सा, ओ चेहरे पे नूर तेरे जैसे गुलाब सा, तेरे बिन सांसें जलते अंगारे सहारे और क्या देखे, तेरा मिलना जैसे रब के दुआरे दुआरे और क्या देखे और क्या
देखे और क्या देखे। राहुल। Hey. Hey, how are you? I'm good. How are you? Good. I know I'm late. I'm extremely sorry about that. वो राजा की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। I can imagine that. Yeah. चले? Sure. म्यूनिक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। And the people are so nice. Everything's just perfect here. True. Yeah. I was wondering कि why are you looking for a job? I mean, I know Raja. He's a rich guy and his family too. तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? I really need this job. मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। I want to support my family. That's why. Quite impressive, huh? Independent girl. Yeah. वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मेरी एक फ्रेंड है and she works in an Irish pub and they need some people to work with them. तो उसी से मिलने जा रहे हैं। That's interesting. और तुम exactly यहाँ पे क्या करते हो? I'm a tourist guide. Oh. मैं लोगों को घुमाता हूँ और इस खूबसूरत शहर म्यूनिक को उनकी जिंदगी का हिस्सा बनाता हूँ. Oh. That's my job. That's really great. Even I want to explore the city, yeah? Whenever you say. पक्का? पक्का. Sure. Hey. Hey, Riya. Hey. Riya, that's Preeti and Preeti, that's Riya. Hi. Hello. अच्छा तुम लोग कुछ लोगे? No, no, I'm no. good. Thank You're you. You're sure? Yeah. Yeah, I need to leave. You guys carry on. Take care. Okay, see yeah. you. See Bye-bye. You. Bye. So, Rahul told me you need a job. Yeah, and I would love to work here. बहुत अच्छी जगह है. Exactly. This is the best Irish pub in Munich city. इसके owner भी Indian हैं, and okay. I already talked to him, and he said it's all right. Oh, so when can I join? Right tomorrow. That's perfect. Yeah. So, you have to wear black. Okay. So that's our dress code. All right. सर्वूस पाजी हैं? ओ किसकी सर्विस? पाजी यहाँ हेलो को सर्वूस कहते हैं। ओ यार जो भी कहते हैं यार तू मेरी सर्विस करवा दे यार। वो ना बहुत दर्द हो रहा है यार। वो आधे मर्द आधी औरत से पीछा छुड़वाने में बहुत जोर लग गया यार राजा साहब का। यार यहाँ कोई अच्छा जामती जुमती नहीं है जो मेरी अच्छे से मसाज वसूज करते जहाँ मेरे सारे दर्द सारी तकलीफें दूर हो जाए। बस पाजी इतनी सी बात अभी ले चलता हूँ मसाज पार्लर। ऐसी अच्छा? मसाज मिलेगी ना वो भी जर्मन वाली। सच्ची? आपके सारे दर्द निकल जाने पाजी। पक्का ना? पक्का पाजी पक्का। चलो बैठो पाजी। खुली आ रही पाजी देखो न। ओए होए होए ओहो होए 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 ओ जी क्या मसाज करते हो जी आप। मैं कहता हूँ जी वेरी वेरी गुड जी वेरी वेरी गुड। वैसे जी आई एम राजा राजा ब्रोडिया। व्हाट्स योर नेम जी? माय नेम इज सोफिया। सोफी क्या बात है भाई क्या बात है। खुद तू दारू की बोतल की तरह और नाम तेरा सोफी है। क्या बात है भाई। व्हाट यू से? ओ कुछ नहीं जी कुछ नहीं जी। व्हाट आर यू सेइंग? ओ तू लड़की है ना? व्हाट? ओ ओ आर यू गर्ल? ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल। Is there any problem, sir? No problem. Okay. No problem. Are you German, Pakki? Yes, I'm German, sir. Oh, good, ji, good. Are you shadishuda? What? Oh, ji, oh, kya kehte hain ji? Are you marriage? No, I'm not married yet. But I have a boyfriend. Huh? Boyfriend chahiye? Oh, mujhe bana lo boyfriend. I am your boyfriend. What? Are you crazy? Oh, yes, yes, ji. Very, very crazy. Ji. Very, very crazy. Oh, main kehta meri baat maan. Main tera boyfriend, tu meri jaan. Kahan ye logon ki malish walish kar rahi hai? Oh, mere saath pind chal. Bas, ek baar mujhe ab brodia bana de. Bhai kehta hu, jindagi bhar ash karegi, yes. Aur Raja saab ke bahut paise hain. Listen, sir. I don't understand anything you're saying. Please lie down. Hai ji? Please lie down. Oh, ji, I am your boyfriend, ji. How dare you? Oh, sorry, sir, sorry. Please lie down. Please lie down. Just lay down. Erju. Oh, 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 nana. Oh, darna, nana, darna. I am very good, Munda ji. Very, very good. You know, I in my pind, I have very big koti ji. Very big koti. And I have lambi, lambi kara. Yeah, lambi, lambi kara. And you know, I am very rich, Munda ji. Very rich. You ask with me. I am saying you.
वेरी वेरी अच्छा। May I help you? Yes, yes. You cheap. आंटी जी, आंटी जी कहाँ हो? आंटी जी अपने प्रीतो का फोन है, कहाँ हो? लाला दे मुझे, प्रीतो का फोन है। हाँ करो बात। हेलो, कैसा है मेरा पुत्र, मेरा बच्चा? सत श्री अकाल मम्मी जी, आपसे दूर रहकर हाल बहुत अच्छा तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ अच्छा ही है। आप बताओ क्या हाल है? तू तो सब जानती है, हाँ? वही हाथ वही बर्तन। अच्छा चल मेरी छोड़, तू अपनी सुना। अरे वहाँ कैसे हैं सब? हाँ घर मिल गया तुझे? ओ तंग तो नहीं हो रहा मेरा पुत्र ना? तंग बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट बहुत बड़ा घर है माँ, सपनों से भी बड़ा, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और गुड न्यूज ये है कि मुझे जॉब भी मिल गई। मैं आपको जल्दी पैसे भी भेज दूँ। जीता रहे मेरा पुत्र। जुग जुग जी, भगवान तुझे जिंदगी की हर खुशी दे। ले बेटा ट्विंकल से बात कर। और बताइए आपके राजा साहब का क्या हाल है? आई मीन उस नमूने का? नमूना नहीं है यार, बंदा सही है, दिल का बुरा नहीं है, बस हरकतें कुछ खराब सी है, खराब ही नहीं कह सकते, अजीब है बस। एक्चुअली अजीब भी नहीं, मुझे नहीं पता, छोड़। ओए होए ये कश्मकश, इश्की तो नहीं, लोग प्यार में फ्यूज हो जाते हैं और तू तो कंफ्यूज हो गई, क्या बात है? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस जो दिल में आया वो बोल दिया, तू टांग खींचना बंद कर अभी। उफ ये मोहब्बत जीजा जी के लिए। चल फोन रख अभी, बाय। बस आराम से बाजी, आराम से बाजी। बस पहुंच गए, बस 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 बैठो। राजा ये क्या हुआ? राहुल ये क्या हुआ इसको? पता नहीं प्रीति क्या हुआ। ओ ना छेड़ो ना मुझे, ओए जख्म बड़े गहरे मेरे। पर हुआ क्या है? ओ ना प्रीति पूछ मत, क्या क्या हुआ मेरे साथ। ओ ये तो किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, ओ नहीं ओ जरूर मेरी बेबे की दुआओं ने बचा लिया मुझे। पर हुआ क्या है, तुम कहाँ थे? राहुल तुम इसे फिर से किसी ऐसी वैसी जगह पर तो नहीं लेके गए? प्रीति मैं तो वही करता हूँ जो ये मुझसे कहते हैं। उस दिन इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे क्लब जाना है जहाँ गोरियाँ ही गोरियाँ हों, तो मैं इनको क्लब ले गया, और आज सुबह मुझे कहते कि मुझे मालिश करानी है इसलिए मैं इनको मसाज पार्लर ले गया। अब ये अंदर तो एकदम ठीक ठाक जाते लेकिन जब बाहर आते तो पहचान में ही नहीं आते। अब भगवान ही जाने ये अंदर जाके क्या करते हैं या इनके साथ क्या होता है। ओ यार ओ मैंने उस चुड़ैल से कुछ नहीं कहा था, ओ मैंने तो सिर्फ उसे शादी के लिए पूछा था, उसे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा और उसने मेरी ये हालत कर दी। हद करते हो पाजी,
शादीशुदा होते हो भी मसाज वाली को कौन पूछता शादी के लिए? प्रीति तुम क्यों नहीं समझाती इनको कुछ? अरे यार ओ ये मेरी असली बीवी नहीं है। मतलब? ओ मतलब हमारी शादी असली नहीं है। पाजी असली बीवी नहीं है असली शादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार ओ मतलब मुझे ब्रोडिया बनने के लिए यहाँ आना था और मेरे पास वो कागज वागज नहीं थे और इसको भी यहीं सेटल होना था तो हम दोनों ने शादी कर ली और यहाँ आ गए। वाह पाजी वाह, आप तो गोरों से भी आगे निकले। और क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इंडिया में भी हो सकता है ऐसा कुछ। चलो अब आप अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। राजा तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतने बड़े राजा होकर गोरियों से मार खाते हो, क्यों करते हो ऐसा? प्रीति मैंने कुछ नहीं किया, ओ मैं तो बस उस गोरी से ब्याह करके अब ब्रोडिया बनके अपने पिंड वापस जाना चाहता था। और तू तो जानती है ना मुझे हैं, कितना सीधा साधा हूं मैं, ओ मैं तो कुछ भी नहीं करता फिर भी मेरे साथ ऐसे हो जाता है। मालूम है मुझे, अब कुछ मत बोलो और आराम करो। देखा सब जानती हो तुम, कितना समझती हो मुझे, कोई गोरी तुम्हारे जैसे क्यों नहीं होती। यू आर वेरी गुड गर्ल, सबसे अच्छी हो तुम। होर बार थोड़े तरह जोर लगता। अरे बनाओ लफड़ा भैया ये राजा बाबू तो बहुत ही स्मार्ट है। राजा साहब अरे तभी तो ब्रोडिया बन गई। अरे हमने तो सुना है ये राजा साहब गोरी के बीच में रहते हैं 24 घंटा। काश हमरी भी एक गोरी होती, 5 फीट के सीने से लगा के रखता। वाह भैया तुझे बड़े आजकल गोरियों के सपने आ रहे हैं, शीला जीत ले रहे हो क्या आजकल? मतलब गोरी तो मैंने भी मंगाई है अपने लिए स्पेशल पर्सनल। अब तक तो राजा जी ने ना अपनी गोरी ढूंढ के मेरे लिए भी लवली होगी। रुक मैं तेरी बात कराता हूँ, पैग बना तू। मैं पैग बनाता हूँ भाई जी। ओ फोन किथे है? हमारी बात करवाइए गोरी। फोन किथे मेरा? हगा मेरे को लिए। अरे हमने तो सुना है ये गोरी की आवाज बहुत ही सख्ती होती है। खर्जा खर्जा राजा साहब ने फोन करने लगा, आवाज नहीं चाहिए, फ्लैश जा रहा फोन। शुश 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 कर दे, घंटी गई। हेलो राजा साहब। हाँ बल्ली जिंदाबाद। बोलो पहुंच रहे साहब जिंदाबाद? ओए हाँ हाँ पहुंच गई पहुंच। राजा साहब की हाल चाल? ओ क्या बताऊं तुझे बल्ली, क्या बीत रही है मुझ पे, ओ बस मैं ही जानता हूँ। क्या बात हो गई? ओ यार इतना आसान नहीं है बल्ली ब्रोडिया बनना, बड़ा ही मुश्किल है यार। हिम्मत नहीं छोड़नी राजा साहब आपने, हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। यहाँ भैया शीला जीत खा रहे हैं आप फिर टेंशन नहीं आप फुट। अच्छा राजा साहब मेरे लिए गोरी चुन ली आपने, आस पास हो तो बात करा दो।
ओ किस किस से बात करेगा बल्ली? ओ तेरे लिए तो यार 3-4 ढूंढ रखी है मैंने। बेटा तुझे यही बुलाऊंगा और सबसे मिलाऊंगा जिनसे मैं मिल के आया हूँ। क्या खातिरदारी करती हैं गोरियां। ओए होए होए होए, मैं सच्ची कह रहा हूँ राजा साहब। हाँ, राजा साहब। और बताइए हमारी भाभी जी मिल गई? कैसे दिखती हैं भाभी जी? हाँ हाँ बल्ली, हाँ मिल गई। बन के सांसें मेरी आ मुझ में उतर जा, बन के सांसें मेरी आ मुझ में उतर जा। दिल और जिगर की नस नस गुजर जा तो गुजर जा। हाँ दिल और जिगर की नस नस गुजर जा तू गुजर जा। बन के सांसें मेरी आ मुझ में उतर जा। इश्क का कोई नया मंजर दिखा दे, रू मेरी अपनी को रू से मिला दे, इश्क का कोई नया मंजर दिखा दे। साथ तेरे जीने की कोई तो वजह दे, उतरे ना कभी तेरा ऐसा कोई नशा दे। मुझ में तो खुशबू बन के बिखर जा आ तू बिखर जा। बन के सांसें मेरी आ मुझ में उतर जा। बन के सांसें रुकती नहीं है तुझे पाने की चाहते, बेचैन रहने लगी है मेरी ख्वाहिशें। रुकती नहीं है तुझे पाने की चाहते, बेचैन रहने लगी है मेरी ख्वाहिशें।
चाहूँ मैं रंगना तेरे सपनों से राते, कहूँ मैं दिल को तेरी यादों से हाँ तू सवर जा बन के सांसे मेरी आ मुझ में उतर जा बन के सांसे मेरी आ मुझ में उतर जा प्रीति विल यू मैरी मी ये राजा रानी बना के रखेगा तुझे यस अगर तूने हाँ बोल दी वो तो आराम से हाँ बोल देगी वो कौन गोरी तुझे नहीं पता ओ तेरी यार शिट तुझे तो बताया ही नहीं इधर आ बैठ वो पानी से निकली एक परी की तरह क्या बाल थे उसके क्या चाल थी उसकी ओ फिर क्या राजा साहब खुश हुए जा गया पैसों की बारिश कर दी गोरी पे सैली नावस का सैली क्या लड़की है यार क्या बात है ओए होए होए ओए होए होए तूने फिर से दारू पी रखी है ओ नहीं 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 थोड़ी थोड़ी पी थी ओए सैली डार्लिंग मत खाती पीती है फिर से गोरी फिर धोखा खाना है तुम्हें ओ नहीं प्रीति ये उन जैसी नहीं है ये तो सबसे अलग है और पता है उसके और मेरे साथ वो है उसकी वो क्या कहते हैं उसका अंडर द स्टैंडिंग हाँ यार पता है उसने ना मुझे पप्पी भी दी एक यहाँ पे और तो उसी के पास जाओ ना यहाँ क्या कर रहे हो पागल है क्या मैं के जाऊंगा उसके पास अरे वो आएगी मेरे पास उसे तो मैं अपनी बोटी बना के लेके आऊंगा और पता है मेरी बेबे ने स्वेटर बना लिया अपने पोते के लिए और मैंने उसका नाम भी सोच लिया सरदार अंग्रेज सिंह वैसे तुझे मानना तो पड़ेगा गोरी तो मेरे पट्टा ही ली कोई भी गोरी पागल नहीं है जो तुझ जैसे इंसान से शादी करेगी यहाँ तेरे जैसे सारे वेल्ले निकम्मे नहीं है सब यहाँ पे काम करते और अपने दम पे जीते हैं और अपने दम पे जीने वालों को ही पसंद करते हैं ना कि तुम्हारी तरह बाप के पैसे पर पलने वालों को तुम्हारा अपना वजूद क्या है तुम में ऐसा क्या है कि कोई भी गोरी तुझसे शादी करेगी बाप के पैसे और बचपने के सिवा देख प्रीति अब ना तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है समझी और पैसे मैं अपने उड़ाऊं या अपने बाप के तुझे क्या प्रॉब्लम है और सुन अगर तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना तो भाड़ में जा राजा बाजी किधर हो राजा बाजी पाजी राजा पाजी उठो पाजी ओ, क्या पाजी? हो गया यार क्यों सुबह सुबह ये आतंक मचा रखा है तूने क्या हुआ तुझे है पाजी आपकी और प्रीति की कोई लड़ाई हुई क्या हाँ यार कल थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी और तूने ये पूछने के लिए उठाया मुझे है ओ नहीं पाजी प्रीति घर छोड़ के चली गई है क्या जो चले ही गए उनका जिक्र क्या करना पर पाजी वो अकेली शहर में कैसे रहेगी जो गैर हो गए उनका फिक्र क्या करना पाजी
ओ चल ये सब छोड़ और मेरी बात सुन ध्यान से। ओ जट नु गोरी मिल गई है, गोरी ओ सैली नाम है उसका। गोरी मिल गई है सैली? ओए हाँ ओए सैली, अभी उसी के सपने देख रहा था मैं और तूने आके ना सारा का सारा सत्यानाश कर दिया भाई। और पता नहीं उस प्रीति को भी ना कल क्या हो गया था, वो पता नहीं बापू की आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई थी, वो भाई भाषण देने लग गई थी मुझे। अब एक बात बता है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? नहीं बता क्या करने आया हूँ, मैं अब्रोडिया बनने आया हूँ ना भाई। जब मैं अब्रोडिया बन रहा हूँ तो उसको बड़ी दिक्कत होने लग गई भाई, उससे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। भाई एक बात बता है, उसको ना शुरू से ना यही लगता है कि मैं ना बेवकूफ हूँ है, और खुद को लंबरदार समझती है। बड़ी आई It'll be yeah. pretty good. I'm so glad. Hey guys. Hi. Hi. Hey, hi. That's good? Yeah. Hi. Hey. Guys, this is my new boyfriend Raja. Raja, meet my friends. This is Lena, Katrina, Patrick and Dexon. Oh ji. Hello ji. Hello ji. Hello ji. Hello ji. Hi. Hello ji. Ji me Raja. राजा परोडिया जी। ओ बैठ जा गुड़िया, बैठ जा, बैठ जा। क्या बात है राजा, आर यू इंडियन? ओ या या इंडियन पंजाबी। डू यू लाइक अ बियर? ओ नो 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 नो, ओनली व्हिस्की। बट दिस इज बवारिया बियर, दिस इज बेस्ट बियर ऑफ द वर्ल्ड। ओ ये पानी बेस्ट बियर है यहाँ का, कमाल है यार। And this is Dixon. He's the beer champion of the competition. Yes, champion. Competition? वो भी इस पानी का? यार तुम लोग कितने पीछे हो यार हमसे? भाई हमारे यहाँ तो विस्की का कंपटीशन होता है, विस्की का। Really? Do you like a competition with Dixon in beer drinking? Competition? Oh no no no. Oh no no no. You have to try. Please take one drink, please. नहीं बेबी मैंने कह दिया ना नहीं यार। Go go go. Okay चलो चलो। Yes. Beer please. Here. चल भाई। Go 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 ओए जीत गए राजा ब्रोडिया से बंगा। बीते नहीं रहना खोया खोया चेना, सुने सुने नैना तेरा ही करते हैं बस अब इंतजार। ओ मेरे पिया ये जो मेरा जिया चाहे तेरा ही दीदार। देखा कर तू जरा मेरी तरह कैसे फरा कर रही है तेरी जुदाई, देखा कर तू जरा मेरी तरह कैसे फरा कर रही है तेरी जुदाई, सता रहे हैं मुझे तेरे ही गम बेशुमार। और मेरे पिया ये जो मेरा जिया चाहे तेरा ही Thank you. You're welcome, sir. Enjoy. Yeah. Yes. Today is something special.
राहुल टेल मी, बताओ क्या स्पेशल है? प्रीति, आई वांट टेल यू समथिंग। ओ बल्ले बल्ले। अब मैं अपनी फीलिंग्स और हाइड नहीं कर सकता हूँ। आई नो व्हाट्स देयर इन बिटवीन यू एंड राजा। मैंने तुम्हारा वो पेपर नोट पढ़ा था। मुझे पता है यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम, पर प्रीति वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो तो बस किसी गोरी से शादी करके अब्रॉडिया बनना चाहता है। Oh my God. I know it's really difficult for you. Preeti, I love you. I love you a lot. Will you marry me? Yes. Yes. हेलो, क्या हाल है मेरे प्रीतो के? मैं अच्छी हूँ, तू बता कैसी है? बुरी तो मैं भी नहीं हूँ, पर तेरी आवाज को क्या हो गया? तुम सैड हो? नहीं, बस ऐसे ही। I'm okay. प्रीति, come on. इतने साल हमने एक ही साथ एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ाई की है, एक ही ऑफिस में जॉब की है, और हमारी तो डेट ऑफ बर्थ भी एक ही है, 23 अप्रैल। सो मुझे तेरी सांस लेने के फर्क से ही पता चल जाता है, इसीलिए खामोशी तोड़ और बता क्या बात है। कुछ नहीं यार, राजा। प्रीति, क्या हुआ? वो समझता ही नहीं है यार। उसको कितनी बार समझाने की कोशिश की मैंने, पर उसके प्रायोरिटीज ही अलग है। उसको किसी और चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गोरियों के पीछे भागता रहता है। हर रोज घर एक नया ड्रामा लेके आता है। इतना सब कुछ हो गया है और तू मुझे अब बता रही है? मुझे खुद ही नहीं पता चला कि कब मैं उसे प्यार करने लगी। तूने बताया उसको तू उससे प्यार करती है? मैं बता चुकी हूँ, पर शायद वो समझ नहीं पाया, या शायद वो समझ के भी नहीं समझा। तो फिर समझाना जाकर उसे पगली, क्या हो गया है तुझे? ये वो मुगले आजम वाला जमाना नहीं है जहाँ आंखों आंखों में फीलिंग समझी जाती है। आजकल तो बोलना पड़ता है। बहुत देर हो चुकी है ट्विंकल। ओ हेलो, पहले बुड्ढो जैसी बातें करना बंद कर दे, कोई देर वेर हुई नहीं अभी। अगर प्यार करती है तो जाके बोल दे उसे। तुझे मेरी कसम, जाके बोल दे, नहीं तो मैं बोल दूंगी उसे। भाई देख ले यार,
जो करना है ना बढ़िया और एकदम मस्त होना चाहिए। पाजी यहाँ की सबसे मशहूर और पुरानी चर्च में अरेंजमेंट किया है कोई शादी का। भाई है तो भगवान का ही घर ना, अंग्रेजों का मंदिर है पाजी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओ हेलो जी प्रीति फ्रेंड जी, आप आज अचानक, ओ जी बैठो जी बैठो। ओ जी कैसे हो जी आप? राजा तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ जी हाँ जी, एक क्यों दस बोलो जी, पर ना एक मिनट एक मिनट। अच्छा भी राहुल भाई प्रसाद प्रसूद मिलता है ना वहाँ? नहीं पाजी। क्यों भाई वहाँ भोग नहीं लगते? जी नहीं पाजी। क्यों भाई पंडित नहीं होते वहाँ? पाजी यहाँ फादर होता है। है तो किसका फादर? पाजी अंग्रेजों का पंडित। अच्छा अच्छा, चलो जो भी है भाई, है तो वो भगवान का घर ना। जी भाई देख लो, बढ़िया और बड़ा होना चाहिए, समझा? जी हाँ, जा फटाफट तैयारी पे लग जा, जा। ओ जी अच्छा हो गया जी आप आगे, ओ मैं तो खुद ही आने वाला था आपके पास। वो जी जो हुआ सो हुआ, वो कहते हैं ना जी, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी सी आवाज आती है जी। ये सब किस चीज के अरेंजमेंट हो रहे थे? ओ जी मेरी शादी हो रही जी शाली के साथ, उसी की तैयारी चल रही है जी। हाँ जी। ये बताने आने वाले थे तुम मेरे पास? हाँ जी हाँ जी, मैं तो आपको मिलकर न्योता देना चाहता था जी। हाँ ओ जी, वो पेपर भी साइन कराने थे जी डिवोर्स वाले, ये देखो जी, ये पेन भी यहीं पड़ा है जी। कर दो जी साइन फिर। ओ सिट हियर। हाँ हाय ओए कितनी सोनी है। क्या हुआ जी, जा रहे हो? कंग्रेचुलेशंस। ओह थैंक यू जी, बाय बाय जी। चीयर्स। बहने लगे हैं इश्क़ के धारे, मेरे मन में यादों के समंदर गहरे। बहने लगे हैं इश्क़ के धारे, मेरे मन में यादों के समंदर गहरे। धीमा धीमा सा रहने लगा है तेरा ही खुमार। और मेरे पिया ये जो मेरा जिया, चाहे तेरा ही सैली। अरे कल हमारी शादी है और तू शादी से पहले किसी और के साथ ये सब कुछ कर रही है, और तुझे शर्म नहीं आती? वो गांव वाले क्या सोचेंगे? Who are you man? Why you creating scene? घड़ा सीन साल्या है, और तू सालिये है? तुझे मैं शादी करके अपने पिंड लेके जाना चाहता था बेबे के पास, और तू ये सब कुछ कर रही है? छी छी यार, और तू यार हद होगी तेरी, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा गांव वालों को? Rajesh देखो, this is also my boyfriend but I want to marry you. वो केड़ा बॉयफ्रेंड साल्या? मैं कुछ नहीं किया। Sign here. Yeah. Come with me. हाँ जी। प्रीति जी, कैसे हो जी आप? थैंक यू ऑफिसर। प्रीति जी मेरी बात तो सुनो, प्रीति जी, प्रीति, अरे मेरी बात तो सुनो प्रीति, अरे मेरी कोई गलती नहीं है यार,
और तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार, बहुत पैसे यार, कोई और गोरी मिल जाएगी। राजा साहब तो कभी गलती करते ही नहीं है ना, पुलिस यहाँ निर्दोष लोगों को पकड़ती है, राजा साहब को गलती करने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट राजा साहब को कुछ भी करने की क्या जरूरत है? पैसा पड़ा है ऐश करने को? ठीक कहा तुमने, कोई और गोरी तो मिल ली जाएगी, फिर कोई और, उसके बाद कोई और। यहाँ गोरियों की और राजा साहब को पैसों की कमी थोड़ी ना है। तुम्हारे कुछ एहसान थे मुझ पे, इसलिए आना पड़ा, पर खबरदार जो आज के बाद मेरा नाम भी जुबान पर लाए तो। Let's go. Yeah. राजा, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तक मैं जा चुकी होंगी, तुमसे दूर, बहुत दूर। और जो भी हुआ गलती मेरी है, मैं होती भी कौन हूँ तुम्हें रोकने टोकने वाली। जाने से पहले साथ बिताए हर पल के लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, और मैंने तुमको बदलने की कोशिश की उसके लिए सॉरी, मैंने तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर किया उसके लिए भी सॉरी, सॉरी कि मैं तुम्हें अपना मान बैठी। मुझे पता था कि हमारी शादी नकली है, पर ये नहीं पता था कि प्यार असली हो जाएगा। सॉरी मैं तुमसे प्यार कर बैठी। मैं जा रही हूँ राजा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम खुश रहो, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, After all, it's your life. Goodbye. बीते नहीं रहना, खोया खोया चैना, सुने सुने नैना, तेरा ही करते हैं बस अब इंतजार। ओरे मेरी जाना, दिल है दीवाना, करता मुझको बेकरार। मैं यादों के कांटों पे चल रहा, तेरे बिरहा की आग में हूँ जल रहा। मैं यादों के कांटों पे चल रहा, तेरे बिरहा की आग में हूँ जल रहा। तेरे बिना मेरी जिंदगी हो गई दुश्वार। ओरे मेरी जाना, दिल है दीवाना, करता मुझको बेकरार। कमाल है, इसको पियो की याद कहां से आ गई आज। हेलो, और क्या हाल है तेरा? बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। अपना हमेशा सही कहते थे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया बापूजी, पर आज मैं कसम खाता हूं बापूजी, आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। नहीं पुत्र, ओए तू ठीक तो है? क्या बात है? आप हमेशा कहते थे ना, नलायक का बड़ा होगा,
बापूजी, मैं बड़ा हो गया बापूजी, बड़ा हो गया बापूजी। ओ क्या हो गया तुम लोगों को, छोड़ो मुझे, ओ मैंने कुछ नहीं किया। हाय तू पिस फॉर हाफ द डेट्स कम्स टू मी टंस बस। ओ छोड़ो यार मुझे, मैं नहीं जा रहा, ओ मैं नहीं जाऊंगा, ओ नहीं लॉस, ओ अकेले छोड़ दो मुझे, लॉस लॉस, ओ छोड़ दो मुझे, ये वादा, ओ छोड़ दो लॉस। सो लेट्स गेट टू द राइन। साय रुक, शुक्र है सपना सी। हेलो पाजी। राहुल ये पुलिस मुझे क्यों पकड़ने आई है? पाजी वो किसी और के घर आई है। अच्छा पाजी आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बोल। वो कल मेरी शादी है। अरे वाह यार बढ़िया। प्रीति से। क्या शादी प्रीति से तेरी? पाजी निकल जा, निकल जा यहां से। मैं तो खुद से ही हो गया बेखबर, ढूंढू वो ही गुजरे हुए पल दर पदर। मैं तो खुद से ही हो गया बेखबर, ढूंढू वो ही गुजरे हुए पल दर बदर। तेरे एक दिन को मेरी आंखें तलब गा, और मेरी जाना दिल है दीवाना, करता मुझको बेकरार। Wollen Sie die Dame heiraten? Yes, I do. Wollen Sie den Herrn heiraten? Entschuldigen Sie, wollen Sie diesen Herrn heiraten? रुको, ये शादी नहीं हो सकती। प्रीति मुझे माफ कर दो प्रीति, मैं तुम्हें जान नहीं पाया था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं। प्रीति तुम्हारा राजा है। प्रीति मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मुझसे क्यों प्यार करेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो प्रीति, तब से मैंने फैसला ले लिया था कि तुम्हारा राजा बन के तुमसे मिलूंगा। प्रीति प्रीति मैंने दिन रात मेहनत करी, घर पे पैसे भेजे, खुद अपने कमाकर मैंने प्रीति प्रीति आई लव यू प्रीति। राहुल नहीं, राहुल नहीं, रिप, रिप, अप, तुझे बोला ना एक बार नहीं। रुक जाओ,
बस करो। राहुल मुझे प्लीज माफ कर दो, पर मैं सच में राजा से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू प्रीति, आई लव यू। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा प्रीति, कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं कहीं जाने भी नहीं दूंगी। No worries. Let's go, guys. Father, please get them married. Bolen sidi ta mai heiraten? Hanji, hanji. Wollen Sie den Herrn heiraten? Yes. Okay. So, hiermit erkläre ich Sie zum Mann und Frau. चली नहीं जाती ना, तो मेरी आंखों से दूर नहीं जाएगा। Come on, baby. Don't be emotional. अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बापूजी, फेरी बहना बापूजी। सच बोलूं बेटा, मुझे तेरे से कोई उम्मीद नहीं थी जिंदगी में, पर जो तूने अपने बल पे करके दिखाया है, मुझे उस पे बड़ा नाज है। वे मुझे बड़ा फक्र है तेरे पे, बड़ा फक्र है। मेरा बेटा है तू। वाह जी वाह। हाँ, आज मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया तो ये आपका पुत्र हो गया ना जी? ना, ये मेरा बेटा है राजा अब्रोडिया। और चल तेरा ही सही। और एक बात बताओ अब्रोडिया जी। हाँ जी। अब बाहर से खाली हाथी आ गया, अपने बाप के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए तो कुछ ना कुछ लेके आता। चुप भी करो। और चुप कैसे करूं? अरे पुत्र आ गया है। और चुप कर तू। बापूजी, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? और तू तो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलने लगा भाई। बापूजी, मैं शुरू से अच्छी बोलता हूँ, आपको ही समझ आई। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है तेरी। फिर लेके आओ। जाओ जरा फटाफट। पक्का? हाँ जी। चलो पॉट। ए जी, ये सरप्राइज क्या होता है? वो मेरे को लगता है डिक्की में कुछ बंद कर रखा है, जादू से निकालेगा। अच्छा जी। हाँ आओ जी। हाँ जी बेबे जी, बोला था ना आपको गौरी मेम से भी अच्छी बहू ढूंढ के लाऊंगा। आयो रब्बा। देख क्या रिया, पाँव छू बापू बेबे के। चिंदी रे। ओ जी तेरा। आयो रब्बा, कितनी सोनी कुड़ी है, हाँ? चांदा टुकड़ा है। देखा मेरे देश भगत बेटे को, विदेश से भी देसी बहू लाया। ओ सबसे बढ़िया काम तूने ये किया पुत्र, मैं तेरे को क्या बताऊं। वाह। ओ बेटा किसका हूँ बापू जी। फैमिली फैमिली फैमिली, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह क्या बात है जी। आ जी चलो जी चलो। लो जी दोस्तों, अपने राजा साहब तो बन गए राजा अब्रोडिया। हुण तुसी भी अपने घर नू चलो ते मैं भी अपने घर नू चला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
एक पुराना हिसाब तो रह ही गया। ओ बंतू चाचे, ओ किथे है शराबी? ओ चाचे आ गया, मैं आ गया आ गया। ओ किथे चाचू? रुक 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 रुक, बैठो बैठो, शाबाश, पैग लगाते हैं भाई, बैठो। इधर हेलो, क्या कहते थे? ये ब्रोडिया कैसे बनेगा? आठवीं फेल को कौन जाए? ये लो बन गया ब्रोडिया, अब बताओ क्या करना है? अब बताओ चाचा जी, अब तो आना जाना लगा रहेगा हमारा। कभी जाने का मन हो ना बाहर घूमना हो, बताना जरूर, टिकट राजा साहब की तरफ से है जी। बोले। क्या बोलू, राजा तो राजा ही कुछ भी कर सकता है, क्या बोलू? ओ तेरे अभी भी समझ नहीं आई चाचू? बोले राजा साहब। जिंदाबाद। जोर की चाचू जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और न न न न न बस बस रख दे, आज के बाद तूने शराब को हाथ भी लगाया ना, गांव वालों ने ना तुझे छोड़ना नहीं है, और मैंने भी। बस चाचू। अरे वाह बल्ली, तू भी यही है। अभी पिछले मीठा कर ले। क्या बात होगी भाई, राजा साहब के आने की इतनी खुशी, खुद मिठाई लेके आए। अरे उससे भी बड़ी बात है। क्या हो गया? अरे मेरा बेटा फिल्मों में हीरो बन गया, हीरो। ओ अच्छा, मगर पता नहीं क्या हो गया। अरे ठीक है, खुशी की बात तो है, पर इतनी नहीं है भाई जितनी मतलब कोई ब्रोडिया बन जाए तब होती है। यार खुशी का तो पता नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी है, फिल्मों में हीरो आएगा, मेरा बेटा हीरो। कितनी बड़ी बात है भाई, हीरो भी आम लोग ही बनते हैं, कौन सा आसमान से प्रकट होते हैं। आपको नहीं पता, फिल्मों में हीरो बनना बहुत बड़ी बात है, और पूरे गांव में किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो फिल्मों में हीरो आ सके, और एक काम तो राजा साहब भी नहीं कर सकते। ओ गल सुनो पिछले, और कितनी बड़ी बात है, नहीं बता मेरे को तू। तेरा राजा बेटा कभी राजा नहीं बन सकता, और हमारे राजा साहब जब चाहे हीरो बन सकते हैं। देखिए ऐसी ही नई फिल्में सबसे पहले हर शुक्रवार। सब्सक्राइब करें बॉलीवुड प्रीमियर शिमारू मी ऐप पर।